During this pandemic, the Narendra Modi-led BJP government has pushed through several legislations that are a direct assault on people's rights. The latest among these are three bills on agriculture. Two of these were passed on Sunday, September 20th, despite opposition party members walking out of the parliament in protest of the manner in which these bills were pushed through. However, the BJP government remained undeterred. On Tuesday, September 22nd, the third bill too was passed in the upper house of the parliament in the absence of the opposition parliament members. What are these farm bills and why are farmers opposing them? आज हमारे देश का अन्नदाता किसान बहुत बड़े संकट में आया है और उस संकट को और ज्यादा गहरा करने का काम ये किसान विरोधी तीन कानून लोकसभा और राज्यसभा में धांधली में पास करवा के मोदी सरकार ने आज किसानों के संकट में उसको और ज्यादा गहराई में डुबा दिया है। और ये कानून जिस प्रकार से उन्होंने पास करवाए उससे पूरे जनवाद की हत्या बीजेपी की मोदी सरकार ने की है। 8 सांसद राज्यसभा के इनको निलंबन उनका किया है और पूरा जनवाद को इसके ऊपर हमले अभी अलग अलग किस्म से इन्होंने चढ़वाए। द थ्री फार्म बिल्स पास्ड हरिडली बाय द पार्लियामेंट आर फर्स्ट द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल एमिंग टू क्रिएट एंड प्रमोट प्राइवेट मार्केट्स फॉर क्रॉप्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेटेड एपीएमसी मंडीज। ये कानून जो है पहला, इससे ये एपीएमसी को खत्म कर दिया जाएगा और उसके बदले में बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों को और बड़े व्यापारियों को ये किसानों का माल खरीद करने का ये पूरा अनुमति ये कानून देता है। ये करते हुए आज उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से किसानों का माल खरीद करना चाहिए ऐसा कोई प्रावधान इस कानून में बिल्कुल नहीं किया है। और इसलिए एक तरफ मंडियों को डुबाना और ये पूरे कृषि माल के पूरे खरीद का काम ये मोनोपोली ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के हाथ में देना, ये है मकसद ये पहले किसान विरोधी कानून का। फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल इज द सेकेंड वन एंड दिस अटेम्प्ट्स टू प्रमोट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विद इन इंडियन एग्रीकल्चर। पंजाब में हमने देखा, गुजरात में हमने देखा, अलग अलग राज्यों में जहां पे इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है वहां किसानों की अब तक लूट हुई है और ये पूरी लूट देश भर में करने के लिए आज ये दूसरा कानून ये उन्होंने लाया है। थर्डली द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 which removes various crops including cereals and vegetables from the list of essential commodities, and the implication of this is that it basically does away with the restrictions on hoarding of these commodities by private traders. Teesra kanun hai atyavashyak vastu kanun jo hamare desh mein 1970 ke dashak mein bana tha janta ki raksha karne ke liye व्यापारियों के ये जमाखोरी और काला बाजार को रोकने के लिए आज उन्होंने उस कानून में संशोधन किया। और वो संशोधन क्या किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि अभी इसके बाद ये बड़े व्यापारी जो होंगे, कॉरपोरेट कंपनियां जो होंगी, उनके खरीद के ऊपर और उनका जो स्टॉक रखने के ऊपर अभी कोई मर्यादा नहीं रहेगी। प्राइवेट ट्रेड इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इज नॉट न्यू इन दिस कंट्री। Less than a quarter of agricultural commodities are actually traded in government regulated mandis. So the first and the third bills at this point of time in Indian economy are really about facilitating big corporate capital into the farm sector. And the second bill on contract farming is to integrate the Indian farmers into the corporate food supply chains, which actually are a global phenomenon. इसे आज पूरे ग्राहकों के ऊपर बहुत बड़ा असर होगा, बहुत बुरा असर होगा, क्योंकि इनकी मुनाफाखोरी बढ़ेगी, काला बाजार बढ़ेगा और उसके बदले
किसान को उसका कोई लाभ नहीं होगा। With farmers already grappling with the pandemic and the ever-growing agrarian crisis, why was the government in such a hurry to pass these bills? The government's justification for passing these bills is that the farmers will receive better prices for their crops as a result of private trade offering them more choices. Now, given that private trade in agricultural commodities has existed for a very long time in India, and farmers have nonetheless faced considerable periods of declining or stagnated prices over the last three decades. Therefore, this reasoning seems spurious. इस साल के पहले तीन महीने में फाइनेंशियल ईयर के हमारे देश का जीडीपी 24% से गिरा है, लेकिन दूसरी तरफ यही तीन महीने में मुकेश अंबानी ये हमारे देश के में से आज पूरे दुनिया में चौथे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। जब देश डूब रहा है तब मुकेश अंबानी ये राइज हो रहा है, जैसा ये हम आज देख रहे हैं। तो ये इसके अंदर ये कानून ऐसे संकट के काल में मोदी सरकार को लाने को इतने जल्दबाजी में जरूरत क्या थी? साथियों, इसकी जरूरत ये थी, सरकार ऐसे अनुमान लगाती है कि आज लोग ये पूरे कोरोना की वजह से रास्ते पर नहीं आ पाएंगे, अपना प्रतिरोध नहीं दर्शा पाएंगे, और इसलिए आज ये मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ आज कानून लाने का इन्होंने ये पूरा मुहिम चलाया है। The farmer's income is dependent on various factors. It is dependent on what happens to crop prices due to market demand and supply conditions, and simultaneously also what happens to input prices. Encouraging farmers into big capital controlled contract farming is akin to pushing them into a high cost structure agriculture. Now, given that the current pandemic and the associated massive income and job losses have created a demand crunch in the economy, a severe demand crunch actually, and that this comes on top of an already existing economic slowdown in the pre-pandemic times, this is definitely not the right time for such a reform. The government is repeatedly saying that these ordinances are going to benefit farmers, but that seems to be far from true. So the question arises, who really benefits from these changes? The claim that contract farming will protect farmers from price fluctuations is not immediately verified, since typical contracts that corporates draw up with farmers have certain non-price clauses related to quality and safety aspects of farming, and these clauses are often used by the corporate companies to deny the pre-agreed price to the farmers. In the absence of a larger financial commitment on part of the government to ensure the revival of demand and prices in the economy, these bills are clearly being used as a shortcut to improve farmers' income, particularly to fulfill the promise of doubling farmers' income by 2022, which the current NDA government had made. Unfortunately, there are very slim chances of this benefiting the majority of Indian farmers, though it will certainly open up possibilities for the corporate capital in the farm sector. Pradhan Mantri Modi ji ne kya bataya? Unhone kaha ye bahut acche kanun hai, kisanon ko bahut bada labh hoga, bahut bade aitihasik kanun hai. Lekin humne Akhil Bharatiya Kisan Sabha ne, Akhil Bharatiya Kisan Sangharsh Samanvay Samiti ne ye pure tino kanun ka adhyayan kiya aur humne kya natija nikala? ये तीनों कानूनों की वजह से हमारे किसानों का पूरे देश भर में सत्यानाश होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसान डूबेगा और ये बड़ी कंपनियां ये बढ़ेगी। We need to understand that the pandemic has globally caused a massive disruption for capital and profits as well. With widespread loss of incomes and jobs, people have cut back on consumption of goods and services. And as long as the scare of the virus remains, there is a possibility of impending health costs, out-of-pocket expenditures. We can expect that this cutback on consumption of goods and of various goods and services is something that's not going to immediately revive. Clearly, amidst all this, the consumption of most agricultural commodities has
have relatively been sustained as these are necessary items that cannot be done away with on a large scale. Therefore, globally, big capital is looking to recover their lost profits, their failing businesses elsewhere, by entering into agricultural commodity trade on a scale which is much, much bigger than what it has done in the past. The much greater digitization of the agricultural commodity supply chains is an associated development amidst the pandemic that we have witnessed. And this is where capital sees a lucrative opportunity. आज प्रधानमंत्री दूसरा बोलते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, ये कानून लाके जो मिडलमैन है, दलाल है, कृषि क्षेत्र के अंदर अड़ते हैं, इनको हम दूर करना चाहते हैं, इनको हम खत्म करना चाहते हैं। लेकिन असलियत क्या है दोस्तों? असलियत आज ये है कि इस देश का सबसे बड़ा मिडलमैन, सबसे बड़ा दलाल और सबसे बड़ा अड़ता ये मोदी सरकार है। ये इल्जाम हम खुलेआम आज लगाना चाहते हैं। और ये किसकी दलाली कर रहे हैं? ये दलाली कर रहे हैं अंबानी और अदानी की, दूसरे बड़े कंपनियों की, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की। और यही अंबानी अदानी है जो इनको चुनाव के दौरान पूरा पैसा देते हैं बीजेपी को, और इसके लिए जब सत्ता में आते हैं तो इनको आज पूरा मुनाफा करने के लिए पूरा चांस देने का काम करते हैं। और इसके लिए आज इन दलालों ने ये किसान विरोधी कानूनों को लाया है।